हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ स्टार्ट किए हैं, और मैथ में जो है चैप्टर जो आपका है चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण हम लोग स्टार्ट किए हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग जो है इससे पहले फर्स्ट क्लास जो है कल पढ़े हैं, आज हम लोग जो है दूसरा क्लास पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण किस रूप में होता है, और द्विघात समीकरण चेक करने के लिए कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, और कुछ एक दो एग्जांपल यह भी देखे कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण का निर्माण करते हैं। तो अभी हम आपके पास हम जो है आपको इससे पिछले वीडियो में जो है दो प्रश्न दिए थे कि द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करें, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चेक किए होंगे, तो हम इन्हें अभी चेक करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 की ओर, क्योंकि 4.1 में जो है आपको वही है कि चेक करें कि कौन सा द्विघात समीकरण है, और नीचे जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है कि आप जो है जो लैंग्वेज दिया गया है क्वेश्चन उसका जो है पढ़ के आप जो है आसानी से उसका जो है द्विघात समीकरण निरूपण कीजिए, द्विघात समीकरण लिखिए। तो आपका एग्जाम्पल जो हम लोग हम जो आपको बनाने दिए थे वो दिए थे कि एक्स इंटू टू एक्स प्लस तीन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यह जो है एक द्विघात समीकरण है या नहीं, हम यह आपको चेक करने दिए थे। तो यहाँ आपको गुना करना है x गुना दो एक्स क्या जाएगा दो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस प्लस तीन गुना x गुना तीन तीन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जो है यहाँ टू एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स स्क्वायर, इसको इस पार लाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर पहले से है ये आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में है प्लस तीन एक्स इक्व टू प्लस वन, उसको भी इस पार हम ला लेंगे हो जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस तीन एक्स और इस पार आएगा माइनस वन। यहाँ देख रहे हैं अधिकतम घात जो है दो है, कितना है दो, एक्स का अधिकतम घात कितना है दो, यह एक्स का अधिकतम घात है मतलब यह द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग द्विघात बहुपद भी बोलते हैं। आपका द्विघात समीकरण जो है पूर्णतः द्विघात बहुपद पर आधारित है, आपको द्विघात बहुपद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को समझने से पहले, ऐसे इसमें भी समझने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यह जो है एक द्विघात समीकरण है, इस तरह से आपको एग्जाम में आता है चेक कीजिए निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, इस प्रकार से आप चेक कीजिएगा। और द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर गुणांक जो होता है वह कभी भी जो है एक का मान जीरो नहीं होता है, एक बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तो आप लोग समझ गएंगे। सेकंड प्रश्न आपका था, सेकंड था आपका एक्स प्लस टू का होल क्यूब, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्व टू एक्स क्यूब माइनस फोर, यह भी आपको चेक करना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ आप a प्लस बी का होल क्यूब पे इसको पहले तोड़ लीजिए, तो आपको आ जाएगा a क्यूब, तो a है आपका x तो x क्यूब, दो है आपका b तो दो का क्यूब, तो दो दुना चार दुना आठ, ये दो का क्यूब हो गया प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, a का मान x है तो x स्क्वायर, b का मान कितना है दो, फिर थ्री ए बी स्क्वायर, बी का मान दो है दो दुना चार, इस प्रकार से एक्स क्यूब प्लस आठ प्लस तीन एक्स स्क्वायर तीन दुना छ एक्स स्क्वायर प्लस चार तिया बारह एक्स आपका यह जो है ये बराबर इस पार वाला भाग हो गया बराबर में आपका हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस फोर, देखिए बराबर इस पार भी एक्स क्यूब इधर भी, तो उसको इस पार ला लेंगे तो ये दोनों भाग ऐसे अरे बराबर के आर पार जो है प्लस में इधर भी है इधर भी या इधर भी माइनस में इधर माइनस में तो वो भाग कट जाता है, क्योंकि बराबर किस पर आएगा तो ये इधर प्लस इधर माइनस माइनस प्लस में एक्स क्यूब कैंसिल, आपका बच जाता है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स और ये आठ है प्लस आठ उधर से हुआ चार इधर आएगा तो प्लस चार इक्व टू जीरो, ये हो गया आपका सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स, ये दोनों जुड़ जाएगा आठ चार बारह इक्व टू जीरो, यह हम देख रहे हैं कि एक जो है द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि घात इसका कितना है दो है, इसीलिए क्या है एक द्विघात समीकरण है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण को चेक करने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। आपका जो एक्सरसाइज 4.1 है पूर्णतः यही टाइप का प्रश्न है कि चेक कीजिए कि कौन द्विघात समीकरण है कौन सा नहीं है। तो आप लोग एक्सरसाइज 4.1 बनाइए, आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। आपका एनसीईआरटी बुक का जो 4.1 है वह आसानी से बन जाएगा। इसी टाइप का सभी लगभग 8 प्रश्न है, आप लोग चेक करें और बनाएं। चार पॉइंट एक का दो नंबर का जो प्रश्न है, 4.1 का दो नंबर एक्सरसाइज आपका जो है 4.1 में जो है एक नंबर में जो है बस चेक करने वाला है, जांच करने वाला द्विघात समीकरण है या नहीं जांच करें। तो आप लोग जांच करें, यदि परेशानी होती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको वह सभी प्रश्न बताएंगे। ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग यदि ईमानदारी से बनाएंगे तो, अन्यथा हम बताएंगे भी। आपका दो नंबर का प्रश्न है दो में, आपका दो नंबर का प्रश्न दो नंबर का एक नंबर में प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार इस प्रकार का जो है भूखंड है आयत के आकार का, और इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है, ये मान लीजिए लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई है, तो क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई जितना है चौड़ाई उसके दोगुने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, ये चौड़ाई था इसका दोगुना से एक अधिक हो गया। तो हम जो है मान लेते हैं, यहां मानकर बनाएंगे, माना कि चौड़ाई, माना कि चौड़ाई कितना, चौड़ाई मान लिए x, आपका लंबाई क्या हो जाएगा लंबाई, तो लंबाई जो है क्या है चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई कितना है x, इसका दोगुना से कितना अधिक है एक अधिक कर दिए तो 2x+1, तो लंबाई जो आपका निकल गया 2x+1, चौड़ाई हम x माने हैं। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। आपको जो है आयत का लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया, तो आप लोग आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल आपको आयत का दिया हुआ है कितना 528 मीटर स्क्वायर, और लंबाई कितना है आपका 2x+1 इंटू ये कितना चौड़ाई एक्स है, अब मीटर या भी मीटर में या भी मीटर में, यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर दोनों पर कैंसिल। अब आप जो है इसको गुणा कीजिए, आपका द्विघात समीकरण बन गया। एक्सरसाइज 4.2 का जो दो नंबर में क्वेश्चन है, दोनों के एक नंबर मतलब दो नंबर का सभी प्रश्न जो है कह रहा है कि आप द्विघात समीकरण का निर्माण कीजिए। यहाँ जो इसको गुणा कीजिए एक्स से, अब एक्स से 2x का क्या करेगा 2x² फिर एक्स बीच में प्लस है एक्स गुना 1 तो एक्स, यहाँ आपका 528 हो गया। अब ये 2x² + x और इसको बराबर के उस पार ले जाइए, आपका इधर बच गया 0, 2x² + x - 528। तो इस प्रकार से जो है आपका ये द्विघात समीकरण हो गया। 0 बराबर इतना लिखिए, इतना बराबर 0 एक ही बात होता है, इसको हम इस तरह से सीधा करके लिख सकते हैं 2x² + x - 528 = 0, यह भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग देखें कि 4.1 का दो नंबर का एक नंबर का प्रश्न किस प्रकार से निकला। आप लोग प्रश्न सुन लिए होंगे या आपके आपके पास बुक होगा, आप सुन लिए हैं तो उससे भी लिख कर कॉपी में जो है उसके बाद क्वेश्चन समझ सकते हैं। अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न दो नंबर जो आ जाता है,
देखिए आप लोगों को यदि समझने में परेशानी होती है तो वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, जब तक आप बताएंगे नहीं तो वह परेशानी दूर नहीं होगी। ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आ जाए, हम इस तरह से बताएं। तो आप लोग यदि जो है कमेंट करके बताएंगे तो हम जो है पुनः तरीका चेंज करके बताने की कोशिश करेंगे। आपका सेकंड एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से प्रश्न सुनिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, धनात्मक है और क्रमागत है। यदि एक होगा 5 दूसरा होगा 6, यदि तीसरा बार एक होगा 90 दूसरा होगा 91, दोनों धनात्मक और क्रमागत ही है। तो हमको पता नहीं है 5 है कि 90 है कि 20 है कि 25 है, तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या क्या मान ली x, तो क्रमागत है तो एक ही अधिक होगा तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी हो जाएगा x प्लस, दूसरी x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका क्रमागत है और धनात्मक है, x भी धनात्मक और x प्लस 1 भी धनात्मक। तो दोनों का गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल x ये पहली है गुना दूसरी हो गया x प्लस 1, ये दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो 306 दिया हुआ है। कितना 306 दिया हुआ है। अब आप जो है गुणा कीजिए, आपका ये द्विघात समीकरण बन गया, x गुणा x क्या हो गया x स्क्वायर, x गुणा 1 क्या हो गया प्लस x बराबर 306, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बनाने के लिए केवल इसमें कह रहा था। आप लोग जो है अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न देखिए, एक्सरसाइज 4.2 का कह रहा है रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से। तो रोहन की माँ जो है किससे बड़ा है, रोहन से कितना बड़ा है, रोहन की माँ जो है बराबर दे के दिए, रोहन से कितना वर्ष बड़ा है, 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो कह रहा है कि अब उसके आयु का गुणनफल जो है अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो इसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम मान लेते हैं रोहन का उम्र, माना कि क्या मानेंगे, माना कि रोहन का उम्र, रोहन का उम्र यदि हम x मान लिए तो रोहन की माँ का उम्र क्या हो जाएगा, उसकी माँ का उम्र हो जाएगा, रोहन का उम्र तो x है उसमें जोड़ देंगे 26, क्या हो गया ये निकल गया रोहन की माँ का, ये हो गया रोहन का। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, अब हम यहां बनाते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र, यदि अभी वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद क्या जाएगा x प्लस 3, क्या जाएगा x प्लस 3, और उसकी रोहन की मां का उम्र, रोहन की मां का उम्र अभी है कितना x प्लस 26, x प्लस 26 है 3 वर्ष बाद तो 3 इसमें भी जोड़ देंगे। अब जो है जो होता है वो लिख लीजिए x प्लस 26 3 29 मतलब x प्लस 29, ये हो गया रोहन की माँ का और ये हो गया रोहन का। कह रहा है 3 वर्ष बाद जो उम्र होगा उसका गुणनफल जो है 360 है, 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना है x प्लस 3 और रोहन की माँ का x प्लस 29, इसका गुणनफल दिया हुआ है 360, इसका गुणनफल 360। अब आप जो गुणा कीजिए आपको द्विघात समीकरण मिल गया, तो x गुना x हो गया x स्क्वायर, फिर जो है जोड़ का चिन्ह x गुना 29 तो 29x, फिर जोड़ का चिन्ह 3 गुना x हो गया 3x, फिर जोड़ 3 गुना 29 कितना हो गया 29 87 = 360।
360 हो गया। अब जो है एक्स स्क्वायर ये 29x 3x कितना हो जाएगा 29 32x प्लस 87 हो गया, और वो 360 उधर जो है बराबर उस पार प्लस में इस पर आएगा तो -360 बराबर उधर हो गया 0। यहां तक आप लोग समझ गए। अब जो है एक्स स्क्वायर प्लस 32x अब ये -360 है और इधर +87 है, तो 87 जो है क्या करेंगे प्लस वाला घटेगा तो माइनस में मान बचेगा माइनस वाला बड़ा है, तो आपका जो है -87 या 13 हो गया 100 260 और ये 13 जो है आपका इसमें घटाइए आपने कितना 10 में 7 गया 3 उसके बाद 15 में से 8 गया 7 उसके बाद 2 -273=0। तो आपका ये जो है 4.1 का 3 नंबर क्वेश्चन का ये आपका द्विघात समीकरण निकल गया। ये था 2 नंबर का, वो 3 नंबर का, 1 नंबर का इससे पहले हम लोग देखे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो इन प्रश्न को समझ गए होंगे। अब आपको कैसी लगी प्रश्न की समझाने की तरीका आप हमें कमेंट करके बताएं, आप अपनी राय जरूर दें। अब हम लोग देखते हैं लास्ट प्रश्न जो है इस एक्सरसाइज का 4.1 का जो है लास्ट प्रश्न है आपका। वो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेता। तो हमें रेलगाड़ी का जो है चाल ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है द्विघात समीकरण पहले निकालना है। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितना है पहले दूरी लिख लेंगे, दूरी है 480 किलोमीटर, समान चाल से तय करता है। कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दे, समान चाल मान लेते हैं, माना कि चाल एक्स, चाल एक्स तो समय क्या होगा, समय होता है समय बराबर फॉर्मूला दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया आपका 480 किलोमीटर है, समय हो गया एक्स 480 बटे एक्स। उसके बाद जो है अब कह रहा है यदि चाल 8 किलोमीटर घटा दें, तो चाल दूसरा क्या हो जाएगा, चाल घटाते हैं कितना 8 किलोमीटर, तो चाल एक्स है इसमें 8 घटाने घटा दीजिए, 8 घटाने पर 8 घटाने पर चाल एक्स माइनस 8। दूरी तो अब वही अभी भी वही तय करना है, अभी भी दूरी वही तय करना है, कितना दूरी 480, तो अब यहां भी समय होगा, यहां भी क्या निकलेगा समय, दूरी 480 और चाल अब जो हो गया x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 कह रहा है कि अब जो है 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, इसका मतलब इसका और इसका अंतर जो है इस समय दोनों के बीच का अंतर जो कितना है 3 है। देखिए यहां पर जो समय लगता है उससे 3 घंटा अधिक समय इसमें लगता है, इसमें क्या लगता है 3 घंटा अधिक, चाल कम हो गया तो समय तो अधिक लगेगा ही, मतलब इसका और इसका अंतर क्या हो गया, इसका और इसका अंतर हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे 480 बटे एक्स माइनस 8 इक्वल टू अंतर इसका हो जाएगा 480 बटे एक्स इक्वल टू अंतर कितना हो गया 3 घंटा का, बात यही आपका हो गया। इसको सोल्व करेंगे हम तो मेरा जो है निकल जाएगा द्विघात समीकरण। तो देखिए इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इस दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे हम इस प्रकार से, तो यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोग अगर लिख नहीं पाते हैं तो वीडियो को रोक करके जो है लिखने की कोशिश करें, और आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, इससे आप लोगों को फायदा होगा कि वीडियो जब अपलोड होगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के बारे में पता चले कि अपलोड हुआ है। अब ये आपका एलसीएम ले लेंगे x-8 और x का, x-8
आठ इंटू एक्स, यदि कॉमन नहीं है तो गुना हो गया, और उसके बाद x माइनस आठ से जब भाग देंगे तो बचेगा केवल x, x गुना 480 हो जाएगा, तो 480x। फिर जो है जब x से भाग देंगे उसमें तो x कैंसिल बचेगा x माइनस आठ, और x माइनस आठ गुना 480 हो जाएगा, तो हो जाएगा बीच में क्या है माइनस x माइनस आठ गुना 480 बराबर कितना है, बराबर 3 है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये गुना कर देते हैं, x गुना x x स्क्वायर माइनस 8x, ये बीच का लाइन है उसका 480, और उसका माइनस प्लस माइनस ये गुना कर दो, 480 गुना x 480x, यहाँ भी x है यहाँ x छूट गया, उसको माइनस माइनस 8 गुना माइनस 480 माइनस माइनस प्लस 480 88 64 8 32 6 38 40 इक्वल्स टू 3। ये अब कोना करने गुणा कीजिए रहेगा आपका 3 गुना ये पूरा करेगा 3 x स्क्वायर माइनस 8 या 24x, उसके बाद ये देखिए 480x ये प्लस में ये माइनस में कट गया आपका बराबर के बाद पास बन गया 3840 3840। अब जो है उसको भी इस पर ला लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो है दो नंबर का जितना भी प्रश्न था चारों भाषा वाला वो सब प्रश्न का द्विघात समीकरण हमने जो है निकाल दिया है। तो आप लोग जो है इन्हें बढ़िया से नोटबुक में कॉपी में बनाइए प्रैक्टिस कीजिए, देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास जो है मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है, अभ्यास से ही कोई भी परिपूर्ण हो सकता है। तो आप लोगों को परिपूर्ण होना है प्रत्येक प्रश्न को बनाने के लिए, तो आप लोग जो है अभ्यास करने के लिए पीछे नहीं हटिए, एकदम अभ्यास कीजिए और बढ़िया से जो भी प्रश्न बताते हैं उसे अभी एक बार में नहीं समझ पाते हैं दोबारा जो है वीडियो को रीबैक करके देख कर जो है समझने की कोशिश कीजिए, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आती है तो तब हमें आप जो है कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके बताइए। तो हम लोग जो है अब अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर यहीं से आगे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक जो है हम लोग इसमें सीख लिए कि द्विघात समीकरण कैसे चेक करते हैं, उसके बाद कोई लैंग्वेज में दिया हुआ प्रश्न का द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न मिलेगा डायरेक्ट जो भी बताएंगे वो डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। यहां तक हम लोग देख लिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं चेक करने के लिए, उसके बाद द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने का भी स्थिति को हम लोग जाहिर कर दिए चारों स्थिति को। अब आगे जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, गुणनखंड के द्वारा कैसे हम लोग जो है द्विघात समीकरण का हल करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप अपना विचार जो है आप अपनी जो है रेट जो जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।